हेलो फ्रेंड, भाग 50, सेट 19 to 24। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और इन सभी सेट में से हम वो चीज़ कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशल फॉर रेलवे एग्ज़ाम, स्पेशल फॉर एसएससी एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये जीके वो स्टेटिक जीके है जो आपके एग्ज़ाम में आपको बैठने से पहले पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस केवल बिना किसी तैयारी के हम पहुंच गए, अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला केस जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो कब काम नहीं आता है। अब पढ़ना पड़ेगा, और वो भी वो जीके पढ़नी पड़ेगी जो एग्ज़ाम में आती है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर इतना एक्सपीरियंस आपको पहले से है तो आप इस वीडियो को अभी तुरंत स्किप कर सकते हैं, किसी नई वीडियो का आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके लिए जिनको नहीं पता कि स्टैटिक जीके उनको कितनी पढ़नी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि ये बुक वो है जिसका वीडियो आपने अभी देखा, वॉलपेपर जिसके 49 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आपको जो पढ़ना है, स्टडी करनी है अपने एग्जाम के लिए, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकेंड बुक ये परचेज कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ना है। थर्ड बुक है आपके सामने ये, इसमें है आपके प्रैक्टिस सेट, सभी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इन दोनों बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो है आपकी वन लाइनर फॉर्मेट में। तो इसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पर, इसके भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, और इसके भी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वीडियो देखने में आपको दिक्कत है, डाटा कम है, तो यही तीनों बुक आप परचेज कर लीजिए। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर इन सभी के नोट्स बनाइए, सभी नहीं पढ़ना है आपको, सिलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई के मामलों में आप क्वांटिटी पे फोकस मत करा करिए कि ढेर सारे वीडियो वॉच करने हैं, ढेर सारी बुक खरीदनी है तभी सिलेक्शन होगा। नहीं, आपको बिलीव करना है केवल केवल क्वालिटी पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, सेट 19 की हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो एग्जाम में पूछता है कि हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये जनरेट होता है आपका, तो वो है आपकी महानदी पर, और इसके प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है हमारे सामने इम्पोर्टेंट कि द प्रॉफिट के लेखक कौन है, तो उनके लेखक का नाम है कहलीन गिबरन। रूसी क्रांति का जनक B.I. लेनिन थे, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कालिदास किसके उपासक थे, किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे शिव की। और भटनेर का किला कहाँ पर है, तो ये है आपका हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर सॉरी सेट नंबर 20 है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देव प्रयाग में गंगा के नाम से मिलती हैं। जब इन दोनों धाराएं जो हैं इनकी, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, मिलकर के एक धारा में बहती हैं, तो ये बहती हैं आपके देव प्रयाग में जाकर के मिल जाती हैं, और वहीं से इसका नाम पड़ जाता है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो आप पानी हाथ में लेते हैं तो उसमें दो नदियों का वाटर मिक्स होता है, पहला क्या भागीरथी और अलकनंदा। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकांश भाग अनुसूचित जनजाति का कौन से राज्य में पाया जाता है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश। मन्नार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका कौन सा है, तो यह है आपका राजस्थान। अगला है सेट नंबर 21, अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो ये कर देता है आपका लाल रंग में परिवर्तित। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितना परसेंट होती है, 65 to 80% होती है। देखिए एग्जाम में जल से संबंधित एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम बताइए। देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको निर्जलीकरण, आपको ऑप्शन में देगा, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को जो ऑप्शन देगा वो देगा डिहाइड्रेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हमारी बॉडी में पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो हमको ये डिजीज होगी, मतलब निर्जलीकरण की, राइट। तो बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर कि जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा। अगर धन आवेशित होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे नाभिकीय विखंडन में, एक भारी नाभिक टूटने से दो या अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक नाभिकों का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है,
तो आपको याद रखना है नाभिक के विखंडन क्रिया के द्वारा, याद रहेगा रहना चाहिए। बहुत ही लड्डू क्वेश्चंस है, मतलब काफी इजी क्वेश्चंस है, बोलते हैं लड्डू का मतलब इजी होता है। तो आगे बात करते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो था वो है आपका यूरी गागरिन, रूस में था, और ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है, लुइस फिशर। सेट 22 में हम बात करते हैं कि ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध होता है, और कबीर के गुरु कौन थे। देखिए एग्जाम में गुरु से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, तो इनके तो गुरु आप सामने देख रहे हैं कि रामानंद थे। अगर बात करें हम लोग महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो ये एक छोटा सा कमेंट आप मुझे करेंगे कमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपसे मैं पूछ चुका हूँ, आपने कई बार देखा भी है, पूछा तो क्या नहीं है मैंने आपसे, ये क्वेश्चंस मैं आपसे शायद फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ इस बुक की सीरीज में, लेकिन ये क्वेश्चंस आपका 8 से 9 बार आपने इस बुक के वीडियो में देख चुके हैं आप। अब देखिए कि आपको कितना परसेंट याद रहा कि उनके राजनीतिक गुरु के नाम को, अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सारे वीडियो देखने के बाद भी आपको नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, और कितनी बुरी बात है अपनी काउंसलिंग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार पश्चिमी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपका मुंबई में। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, उधमपुर में। शहर यार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेट 23 में, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, और हरि प्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, और नियाग्रा प्रपात कनाडा अमेरिका की सीमा पर है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है, तो वो है आपका नायलॉन। ओपेक जो है आपका तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, और भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। देखिए अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, जैसे कि किसी स्थान पर अगर कोई एक व्यक्ति काम आसानी से कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती उस जगह पर 2 से 3 लोग कार्य कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि अगर आपके पास एक छोटे से बुक सेलर की दुकान है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी है, जिसमें आप लोग बुक वगैरह रखते हैं, और वहीं पर आपका आप भी काम करते हैं, आपका छोटा भाई भी काम करता है, और आपके फादर भी उसमें आपकी हेल्प करवाते हैं, तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी एक अदृश्य बेरोजगारी। तो इसमें काउंटिंग नहीं हो पा रही है, ये भी कम से कम बेरोजगारी तो है कहीं ना कहीं, कि छोटे से काम में 3 लोग लगे पड़े हैं। ये एग्जाम्पल मैंने डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं बोला, प्लीज आपको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा इस चीज को, मैंने एक एग्जाम्पल काउंट करा है। मैं भी हो सकता हूँ इसकी जगह पर, भाई मेरे पास छोटा सा खेत है, बहुत ही छोटा खेत है, मैं केवल उसमें गन्ने की खेती करता हूँ, मैं अकेला उस खेत को आराम से संभाल सकता हूँ, ठीक है, उसमें हमारे फैमिली के मेंबर सब लगे पड़े हैं। तो समझिए इस बात को कि जहाँ पे एक व्यक्ति काम कर सकता है, वहां पे 4 से 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगी यहाँ पर, आपकी क्या होगी यहाँ पर, सिंपल आपकी ये अदृश्य बेरोजगारी कहलाएगी, ठीक है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, ये भी आपको पता होगा, मौसम के आधार पर परिवर्तित बेरोजगारी कहलाएगी आपकी मौसमी बेरोजगारी। जैसे बैंड वाले होते हैं, जो बैंड बाजा बारात जो बजाते हैं, तो इनका भी एक सीजन होता है शादियों का, उस टाइम पे इनके पास काम होता है, टेंट वालों के पास, बैंड बाजा बारात वाले के पास में इनके पास काम होता है, लेकिन जैसे ही साए खत्म हो जाते हैं तो ये खाली पड़ जाते हैं। समुदाय भवन शादी के टाइम पे एडवांस बुकिंग चलती है सबकी, जैसे ही साए खत्म, समुदाय भवन की सारी बुकिंग कैंसिल, बैंकेट हॉल सारे खाली। तो ये सब होती है मौसमी बेरोजगारी, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, बेटन वुड सम्मेलन की एक देन थी। सेट नंबर 24 है आपका एलिसा परीक्षण टेस्ट, ये एड्स की जांच के लिए होता है, और हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, ये थी आपकी कन्नौज। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था, और लिटमस लाइकेन से मिलता है, लिटमस किससे मिलता है, तो ये मिलता है आपका लाइकेन से। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं एग्ज़ाम अपना क्रैक करना 2018 वाले एग्ज़ाम में, तो आप सबसे पहले इस बुक को या तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए या फिर वीडियो के माध्यम से, उसके बाद में इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिए या फिर वीडियो के माध्यम से, दोनों ऑप्शन आपके पास में है। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो ही वॉच करें, वीडियो ही आपका बेड़ा पार लगाएगी, आपके नैया पार लगाएगी वगैरह वगैरह, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना डाटा है, कितना नेट है, कितना आपके पास टाइम है, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा।
उसके बाद में आपको ये सेट तो पक्का सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में आपको। बाय बाय, टेक केयर, अगेन संभल जाओ, सीरियसली बच्चों पढ़ लो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। लास्ट ईयर बच्चों ने फॉर्म भरे थे 80 लाख, रेलवे के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, 80 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। आपको पता होगा बेरोजगारी बढ़ रही है ना कि घट रही है, इतना आपको आइडिया होगा। और उस रिपोर्ट के हिसाब से आप लगा लीजिए कि इस बार 80 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरेंगे। थिंक अबाउट इट, एक बार विचार करिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। बाय बाय, टेक केयर एंड